जो बातें हुई और जो हमारी मांगे थी उन सब पे चर्चा हुई विस्तृत तरीके से। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार लगातार आदिवासियों को नक्सली कह के टारगेट कर रही है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों संगठनों को, दोनों राजनीतिक दलों को एक आदिवासियों का एक संबोधन है, हमारा वो संबोधन है जय जवाहर, उसके खिलाफ भी ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके असर भी छेड़खानी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जय जवाहर से आपत्ति है। सबसे बड़ी बात है एक राजनीतिक नारा है एक हमारे संगठन का कम्युनिस्ट पार्टियों का लाल सलाम, अगर हम लाल सलाम बोलते हैं तो इनको लगता है कि हम नक्सली हैं। अगर कोई आदमी आदिवासी आदमी जय जवाहर बोल रहा है दक्षिण राजस्थान का या पूरी राजस्थान का तो इन लोगों को लगता है कि हम नक्सलवादी हैं। अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, किसान अपने हक की बात करते हैं तो इनको लगता है कि जो भी इस दौरे सियासत के अंदर हकों की बात कर रहे हैं वो सब लोग नक्सलवादी हैं। तो हम लोग ये कबूल करते हैं और इस मीडिया के सामने कबूल करते हैं, अगर इस दौरे सियासत के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई आदमी अपने हकों की बात कर रहा है तो वो नक्सली है तो हम कहते हैं कि हम नक्सली है। और जो हमारा नक्सली होने के कारण हम हमसे आप तीन चीज मांगते हैं कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है उनको 5वीं 6वीं अनुसूची है उसको पूर्णतः लागू कर दीजिए, हमारे जल जंगल और जमीन का जो कब्जा है उस कब्जे को छोड़ दीजिए और हमें तीन और शिक्षा स्वास्थ्य और हमें रोजगार दे दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। एक इसके अलावा जो मांगे हैं कि आप सब देख रहे हैं कि करौली के अंदर एक हादसा हुआ और वो कोई एक जातीय संघर्ष नहीं था लेकिन मीडिया ने उसको जातीय संघर्ष बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करी कि दो जातियों के बीच संघर्ष था जबकि वो संघर्ष केवल दो परिवारों के बीच का एक संघर्ष था। और दो परिवारों के संघर्ष होने पर किसी आदमी जो पीड़ित परिवार है उसको बिना मांगे 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है, एक सरकारी नौकरी दी जाती है, साथ में उसको पक्का घर दिया जाता है। जबकि जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे 18 दिन से और बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, अचानक वो आंदोलन हिंसक हो जाता है और उस हिंसा के अंदर दो आदिवासी युवा शहीद हो जाते हैं, उन युवाओं को ये सरकार 1 लाख का मुआवजा देती है। तो क्या ये सरकार क्या जातिवाद फैला रही है या फिर आदिवासियों की मौत की कोई वैल्यू नहीं है? अभी पाली के अंदर 18 दिन से एक आदिवासी 13 दिन से एक आदिवासी पाली के कुएं के अंदर मरा हुआ है लेकिन प्रशासन उसको निकाल नहीं रहा है। तो ये राजस्थान सरकार की देखिए लापरवाही, आप खुद महसूस करिए कि यहाँ पर आदिवासियों के असत किस तरीके का अत्याचार जारी है, दलितों के असत किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। हमने दौसा के अंदर देखा किस तरीके से बदली में एक दलित बेटी का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद भी सरकार ने उन दोषी लोगों पे अब तक कोई कार्यवाही नहीं करी है। आदिवासी लोगों की यानी मौत पे कोई सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। और तीसरी बात यह है कि जो इस आंदोलन के दौरान आप खुद FIR कॉपी देखिए हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे और हमने सोशल मीडिया पे भी इन चीजों को डाला है कि 1701 FIR के अंदर 761 बच्चों के नाम है और जिनके अंदर 600 से ज्यादा बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 18 साल है। तो ऐसे लिस्ट की तरह ऐसे उठाया जैसे कि किसी स्कूल का कोई रजिस्टर है, वहां से रजिस्टर उठा लिया गया किसी स्कूल का और 12वीं क्लास या 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का एक रजिस्टर उठा लिया, उस रजिस्टर में जितने भी नाम है उन बच्चों को ले लिया है। साथ में पुलिस प्रताड़ना के जो वीडियो है वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें राजस्थान पुलिस आदिवासी बच्चों को ऐसे पीट रही है जैसे कि कोई वो आतंकवादी हो, उनको मां बहन की गालियां उन वीडियोज के अंदर दी जा रही है और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी है या फिर कोई बाहरी देश के लोग आ गए और अचानक इस देश पे कोई देशद्रोह जैसे काम वो इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रताड़ना हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और जो बच्चे हैं जो 4000 बच्चों के नाम FIR कॉपीज के अंदर हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए, 7 दिन का अल्टीमेटम हम इसमें फोरम के माध्यम से दे रहे हैं, जो ज्वाइंट हमारा एक्शन कमेटी बनी है इसके माध्यम से दे रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अगर ये राजस्थान सरकार उनको वापस नहीं लेती है नामों को तो उसके बाद हम लोग एक राजस्थान में राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और प्रशासन की होगी। तो यही हमारी मुख्य मांग है और साथ में जो 1167 पद है उसके लिए राज्य सरकार तुरंत एक सर्कुलेशन जारी करे और उनको ST के माध्यम से भरा जाए। धन्यवाद।